मैराथन में एक बार में 5,000 लोग 10,000 लोग दौड़ते हैं। मैराथन मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, अलग अलग संदेश को लेकर, अलग अलग मैसेज को लेकर बड़े बड़े शहरों मैराथन आयोजित होती है, जिसमें 5,000 लोग 10,000 लोग दौड़ना चालू करते हैं। आपको पता है आखिरी में 100 लोग भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 25 किलोमीटर की मैराथन है, 50 किलोमीटर की मैराथन है, 4-4, 5-5 घंटे है, पहुंचना है। आखिरी में 100 लोग भी नहीं पहुंच पाते, 10,000 लोगों ने दौड़ना चालू करा, 100 लोग भी नहीं पहुंचे। तो सबसे कठिन काम क्या है? शुरुआत करना कठिन नहीं है, अंत तक पहुंचना कठिन है। जिस दिन स्टूडेंट ने इस बात को समझ ली, जिस दिन हर पढ़ने वाले बच्चे ने इस बात को समझ लिया, शुरू करने में कुछ नहीं रखा यार। आपको कोई दुकान खोलना है, शुरू कर लो, कुछ नहीं रखा। आपको कोई बिजनेस करना है, शुरू कर दो, कुछ नहीं रखा। आपको कहीं नौकरी करनी है, शुरू करना है, कुछ नहीं रखा। निश्चित रूप से पहला कदम इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू करने से ज्यादा कठिन है उसको रोज करना और अंत तक पहुंचना। और ये जिसने कर लिया वो सक्सेस होगा ही होगा, मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं। कसम खा लो कि कोई पढ़े ना पढ़े, चाहे कुछ भी माहौल हो, चाहे कुछ हो, अपने आप को मजबूत करना है। 1 साल 1.5 साल 2 साल का आप एक टारगेट बना लो कि मुझे पूरी दुनिया से कटना है। ये आप हो, ये पूरी दुनिया है, और ये बीच का कनेक्शन है, काट दो इसको 1-1.5 साल, सब छोड़ दो, अपने आप को झोंक दो। कोई शादी ब्याह में नहीं जाना, कोई न्यू ईयर नहीं, कुछ नहीं। और कुछ है भी तो बस एक 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ आपने सेलिब्रेट कर लिया, कुछ जैसा आपको लगे उसको खत्म करके टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप शादियों में गए जहां काम एक दिन में हो सकता था, जहां काम 2-4 घंटे की उपस्थिति में हो सकता था, आप हंसते मुस्कुराते 4 दिन अपने बर्बाद कर देते हो। आपकी रोज की 6 घंटे की क्लास लग रही है, 4 दिन चले गए, अब 24 घंटे की क्लासेस कैसे कवर करोगे भाई, जबकि 6 क्लासेस रोज लग रही है। और जहां पे क्लासेस इकट्ठी होने लगती है आपका मनोबल टूटने लगता है, आपको लगता है कि यार अब मुझसे नहीं कवर हो पाएगा, अब कोई नया चैप्टर चालू होगा तब से बढ़िया मैं तैयारी करूंगा, और आप समझ लेना कि वो आपकी उल्टी गिनती है। अगर आप इस स्थिति पे आ गए कि अब बहुत इकट्ठा हो गया है, बाद में देखेंगे, 1 महीने बाद आप कोर्स से पढ़ना बंद करने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। फिर यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, हमने सब करके देख लिया, जॉब मिलती नहीं है। इन 20 लोगों से तो कभी पूछो। आप हमेशा किन से पूछते हो? इन 100 लोगों से पूछते हो जिन्होंने दौड़ना चालू करा था। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि हम आखिरी तक गए ही नहीं। वो क्या कहेंगे, अरे बहुत कठिन काम है यार, बहुत कॉम्पिटिशन है, ये है वो है। आप इन 20 से तो कभी पूछो, हम इनसे कभी नहीं पूछेंगे। बीच में जो 80 भाग गए उनसे हम हमेशा अपने प्रश्न पूछते हैं, उनसे हम हमेशा अपने अनुभव उनसे जानना चाहते हैं कि भाई अपना अनुभव बताओ। इन पे फोकस करो ना, ये आपको बताएंगे कि यार कुछ नहीं रखा सिलेक्शन लेने में, बस रोज एक अच्छा रूटीन बनाओ। सबसे कठिन काम है रेगुलर रहना, और अगर आपने रेगुलर रहने की आदत बना ली, रेगुलर रहने की कला सीख ली, आप आने वाले 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, आप एक अच्छे पद पर होंगे। आज आप अपने घर के स्टडी रूम से अपने ऑफिस के टेबल पर आप बैठे होंगे।